नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूँ आपके साथ शालिनी जैन। आइए नजर डालते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कांटे की टक्कर, इलेक्टोरल वोट में ट्रंप से आगे निकले बाइडेन, चुनावी नतीजों पर होगी दुनिया की नजर। चुनावी नतीजे के बीच जीत के दाम, ट्रंप को जीत की उम्मीद, बाइडेन को शानदार वोटिंग से व्हाइट हाउस पहुंचने का भरोसा, इस बार के नतीजों में हो सकती है देरी। हाल में दूसरे चरण के चुनाव में करीब 54% मतदान दर्ज हुए हैं। मंगलवार को दूसरे दौर के लिए बिहार के 17 जिलों की 94 सीटों पर वोट डाले गए। सबसे ज़्यादा करीब 60% मतदान मुजफ्फरपुर में हुआ। 10 नवंबर को आएंगे नतीजे। कल मतदान के दिन ही पीएम मोदी ने तीसरे चरण के लिए बिहार में की दो रैलियाँ, अररिया और फॉरबिसगंज में विरोधियों पर जमकर बरसे मोदी। मतदाताओं से जंगल राज वाले को फिर से मौका नहीं देने की अपील की। आज भारत को मिलेगी राफेल की दूसरी किश्त। फ्रांस से उड़ान भरने के बाद शाम को अंबाला एयरबेस लैंड करेंगे तीनों फाइटर जेट। इससे पहले भारत को मिल चुके हैं 5 राफेल विमान। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के 9 सैनिकों ने शुरू किया मालाबार सैन्य अभ्यास। बंगाल की खाड़ी में भारत की नौसेना 3 देशों के साथ करेगी युद्धाभ्यास। LAC पर तनातनी कम करने की कोशिश। 6 नवंबर को चेशुल में भारत और चीन के आर्मी अफसरों के बीच 8वें दौर की बातचीत। कश्मीर में टेरर फंडिंग को लेकर NGO के रोल का खुलासा। NIA के रडार पर 10 संगठन, कई जगहों पर छापेमारी जारी है। मथुरा के मंदिर में नमाज पढ़ने पर गरमाई सियासत। BJP प्रवक्ता संबित पात्रा ने लगाया कांग्रेस कनेक्शन का आरोप, राहुल गांधी से मांगा जवाब। पाकिस्तान की पंजाब प्रांत के सूचना मंत्री फयाजुल चौहान को हिंदुओं के खिलाफ बयानबाजी पड़ी भारी। इमरान सरकार ने फयाजुल को किया बर्खास्त। हिंदुओं के खिलाफ बोलने पर पहले भी हो चुके हैं बर्खास्त। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें वीके न्यूज़। धन्यवाद।